नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रूबी नेगी लेकर आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड की कुछ मसालेदार गॉसिप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की नई फिल्म जल्द ही आने वाली है। इस फिल्म का नाम पंगा है, जो सिनेमा पर्दे पर 24 जनवरी 2020 को रिलीज की जाएगी। कंगना रनौत, सिंगर जस्सी गिल और फिल्म के पूरे कास्ट को फिल्म पंगा के ट्रेलर पर लॉन्च पर स्पॉट किया गया है। साथ ही इन सभी ने लोगों से फिल्म को लेकर बातचीत की। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कोई ऐसा पंगा जीवन में जो आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था या भारी पड़ा? आई थिंक मैंने जब भी जिंदगी में पंगे लिए हैं तो मेरी ग्रोथ हुई है। जब मैं बहुत छोटी थी, 15 साल की थी, तो मैंने अपने फादर से पंगा लिया था, एंड दैट वॉज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू, एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। मगर एसेंशियली अगर मैंने वो पंगा नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती जहाँ हूँ। सो हर पंगा हैज़ गिवन अ न्यू लैंडमार्क इन माई लाइफ। तो वैसे तो आई वुड नॉट एक्सचेंज Where I am today for anything, कोई भी पंगा चलेगा। Kangana, your chemistry with Jassi is absolutely endearing to watch on screen. Slightly towards your right here, if you can see me. Yeah, ऊपर। Trailer में एक सीन है जहाँ पर you kick Jassi. My question is, कितने retakes लेने पड़े थे उसके लिए? उसके लिए मैंने कुछ जान के भी कुछ retakes किए थे, because जस्सी जो है बहुत खुश रहता है, और मैंने सोचा इसकी ये बहुत ज़्यादा खुश इंसान है तो इसको थोड़ा सा तो टेंशन दी जाए। बट सेट में बहुत सारे लोगों ने उसको एक्चुअली पूछा, और जब ट्रेलर हम सब देख रहे थे सब लोग ने पूछा जस्सी को, सच्ची में लगी क्या बहुत? एक्चुअली अश्विनी मैम ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे जब उसको किक जस्सी, बट आज तक किसी ने पूछा नहीं, सो यू रियली हैव टू टेल योर फ्रेंड्स दैट सच्ची में लगा कि सच्ची में लगा। और वो जो बात में हॉट वाटर का रखा हुआ है वो रियल का रखा हुआ है, और जो एक्सप्रेशंस हैं वो सारा वो रियल है, क्योंकि वो इतनी जोर से पड़ी थी, और एक नहीं पड़ी, ट्रेलर में दो दिखी हैं, वैसे 15-16 पड़ी थी। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वी हैड शॉट दिस आल्सो इन द नाइट, एक्चुअली नींद में थे दोनों, सो इट वाज इवन मोर डिफिकल्ट। नो प्लीज सर, नॉट एट ऑल। See, I think especially all the men sitting in the room, I think we all know it. We are the lesser sex, absolutely. I think the future of India rests with women, rests with young girls, and I think that's why these films are really, really important. And I think this is great testimony to women. Thank you, sir. Shankar ji has made the music. Shankar Ehsaan Loy has made the music for the film. And personally for me, till the time the whole album comes out, but personally for me, I feel that we are a little away from what is happening right now in music scene. So we have gone more softer, we have gone back to the olden kind of days of music. So hopefully you guys will like it if whenever it comes out. Hi Kangana and hi Ashwini, this is Ravi from ABP News. Yeah. Towards your right. अगर इंडिया की बात करें और स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट के अलावा हम किसी और स्पोर्ट्स को ग्लोरीफाई नहीं करते, ये इतिहास रहा है, बाकी सारे स्पोर्ट्स नेगलेक्टेड रहे हैं। कबड्डी के माध्यम से क्या आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ भी उभर के आएगी, उसे हाईलाइट किया जाएगा? हालांकि अब कबड्डी टीवी पे बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे हैं और उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बाकी सारे स्पोर्ट्स जो हैं हमेशा से नेगलेक्टेड रहे हैं क्योंकि ग्लैमर ज़्यादा क्रिकेट में ही है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नो, आई डोंट थिंक उसमें ज़्यादा ग्लैमर है क्रिकेट में। एक्चुअली वो ब्रिटिश ने इतना ग्लोरीफाई, बिकेम अ सिंबल ऑफ योर स्टेटस, इट बिकेम लाइक इफ योर पॉश यू प्ले क्रिकेट। अदरवाइज कबड्डी इज़ मैंशन, हमारे महाभारत में कबड्डी का लेख है जहाँ पे बहुत ज़्यादा राजा महाराजा, द कूलेस्ट डूड्स ऑफ दोज डेज, व्हेन दे यूज्ड टू कैच अप, दे यूज्ड टू प्ले कबड्डी। कबड्डी वॉज द मोस्ट ग्लैमरस स्पॉट, एंड ऑल्सो इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट, बिकॉज आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ ग्राउंड चाहिए होता है और आपको दो टीम चाहिए होती है। सो हम लोग कहीं ना कहीं, जब हम लोगों से भारतीयता ही दूर चली गई तो जो हमारा था और जो हमारे लिए बहुत करीब था, बहुत वो था, तो सभी हमसे छिन गया। बट ये टाइम है फिर से रिवाइव करने का। जो स्पोर्ट्स हमारे विलेजेस में भी जितनी कबड्डी फेमस है, और जितना आई थिंक इट्स अ वेरी एंगेजिंग स्पोर्ट, एंड वेरी स्पॉट वेयर यू नो यू आर एब्सोल्युटली इन्वॉल्व्ड,
सो आई थिंक इट्स आल्सो जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट एक्चुअली हम सब ने कबड्डी स्कूल में खेला है. वी ऑल इन आवर ओन वर्ल्ड हैज प्लेड कबड्डी, वेदर इट वाज अ स्पोर्ट, पकड़ा पकड़ी, कबड्डी, लगोरी, ऑल दीज गेम्स वर देयर. एंड इवन टुडे विच आई डिडंट नो अबाउट, बट इवन टुडे कबड्डी इज प्लेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक विमेन इन साड़ीज. इफ यू गो ऑन टू यूट्यूब आप देखोगे लाइक विमेन इन साड़ीज आर प्लेइंग कबड्डी. So, you like she said, you don't need anything much. You just need the strength and the valor, and it's also a very team game. आप एक को एक के साथ एक के पीछे भाग रहे हो, और आपको चाहिए कि वो जीते. And somewhere it is related to our film also. एक सवाल छोटा सा और था कि आजकल जो देश में माहौल चल रहा है और भारतीय नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है उसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और बॉलीवुड के कई सितारे भी सामने आए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है. कंगना आपकी क्या राय है बतौर सिटीजन और बतौर एक्टर? वेल मेरी राय तो इतनी लंबी चौड़ी है कि यहाँ पे सुबह हो जाएगी, बट आई विल ट्राई टू से समथिंग विच इज़ नॉट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द इवेंट. आई थिंक जब भी आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप वायलेंस को ना आई थिंक हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरा सिर्फ 3-4% लोग टैक्स देते हैं, बाकी उसी टैक्स के भरोसे रहते हैं. तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू बर्न बसेज एंड ट्रेन्स एंड टू क्रिएट रकस इन द कंट्री, दैट शुड बी लुक्ड इनटू. क्योंकि एक बस 70-80-90 लाख की होती है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है. और जो देश की हालत है, जितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं एंड जितना लोग मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी रीजनेबल फॉर पीपल टू यू नो डू इंडल्ज इन वायलेंस. एंड व्हेन आई फील दैट डेमोक्रेसी के नाम पे वी आर स्टिल दिस माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, वी आर स्टिल हंग ऑन टू प्री इंडिपेंडेंस एरा. जब हमारा देश परतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था, चाहे वो आर्म्स के भरोसे या ज़बरदस्ती, तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना, देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना, ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी. मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने, कोई आपका जो लीडर आए हैं कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं, आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे, अभी मी बीइंग कंगना रनौत यू कैन नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है, दो फिल्में, मगर आप 10-15 साल सस्टेन कर रहे हो, यू हैव टू गिव मी दिस मच के आई एम हियर ऑन माई ओन मेरिट. तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के जो बता के जिन शर्तों पे उन्होंने सत्ता पाई है, अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो ये नहीं होता, यू कांट बी अ सोर लूजर. सो आई लाइक आई सेड देयर इज अ लॉट टू से, बट इट्स बेटर वी डोंट ड्रिफ्ट इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड वी स्टे वेयर वी आर. जैसे या एट योर लेफ्ट, माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप जो एक ट्रेलर में आप एक आम आदमी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को प्रमोट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो कर रहे हैं, जो आजकल के हस्बैंड्स हैं या जो आजकल का एरा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड व्हाट मेड यू से अ यस टू दिस फिल्म आफ्टर हैप्पी फिर भाग जाएगी? सो मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी जिस फैमिली से मैं आता हूँ वहाँ की है. मतलब मैक्सिमम जितने हमारे पंजाब में जितनी फैमिलीज हैं, क्योंकि पंजाब में खास करके ऐसा होता है कि एक जाना घर पर कमाने वाला होता है, बाकी सब खाने वाले होते हैं. जैसे जो फार्मर्स हैं उनके खास करके ऐसा रहता है, तो उनकी स्टोरी है. तो मुझे बहुत सारी चीज जगह पे ऐसा लगा कि ये यहाँ पे मेरी मॉम की बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है. तो ये फिल्म बहुत ख़ास है मेरे लिए. मेरी दूसरी फिल्म थी वैसे, पहले हैप्पी आई थी, और जब मुझे बताई गई कि ये स्टोरी है, पहले तो मुझे अश्विनी मैम के लिए बताया गया, तो अश्विनी मैम का मुझे पता था, तो बट जब मुझे स्टोरी का पता चला तो मुझे लगा कि ये स्टोरी ऐसी है जिसमें एक अपनापन है. जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ से आया हूँ, जहाँ से आया हूँ, जहाँ की ये स्टोरी है, मैं शायद इसमें अपना 100% दे सकता हूँ. तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म की, और मैं बहुत खुश हूँ. और थैंक्स टू अश्विनी मैम सर और सबका जिन्होंने मुझे इस फिल्म में सपोर्ट किया काम करने के लिए. अश्विनी हाय. कंगना जी, जस्ट आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग, ओके, बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड टू मी. During the course of the film, sabko story pata. During the course of the film, the first person who actually said something which really touched my heart was my editor. Ballu ji, aap ho kidhar? Ballu ji ne bola, Ashwini ji, aapne ye kya kar diya? Abhi mujhe meri biwi ko face karna padega. Aur main bolne wala hu, yaar tu ja kaam pe wapas. Wo she was a CA? CS.
एंड और अभी अब मैं अब बोलूँगा तो बहुत गाली खाऊंगा. अब वो बोल रही कि अब मैं अपनी मर्जी से करूँगी, तुम जब बोलना था तब तो तुमने अलाउ नहीं किया मुझे, यू नो. सो द ही इज़ अ पार्ट ऑफ अस बट स्टिल थिंग्स चेंज. माई बैकग्राउंड स्कोर डायरेक्टर, ही इज़ नॉट हियर, Sanchit said that Ashwini ji, this is my mom's story. I just keep seeing my mom in Kangana ji. It's because she also was from Punjab and she also moved to Canada, you know, so I couldn't do anything. And today when I see her, I feel very bad. So, my marketing person, Anoop, are you here? Yeah, Anoop told me that he sees his mother. So basically, for a son, he sees their mother. For a husband who is like just working, wants to make sure that they have co-parenting now. Yeah, there's a lot more. I can't reveal everything right now, so you have to wait and watch the film. But yeah, this it's happening. Yeah, it's happening. कंगना जी, आपके राइट में यू नो ऐसे इंडस्ट्री में तो आपने जिससे भी पंगा लिया, ऐसे दिल खोल कर पंगा लिया, सो ऐसे कोई मेमोरेबल पंगा जो आपको पूरी लाइफ भर याद रहेगा कि हाँ इनसे पंगा लेना काफ़ी मेमोरेबल रहा मेरे लिए? मेमोरेबल पंगा अच्छा हुक लाइन है गाने के लिए. वेल आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आए हो. आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं सबके सब, कितने कितने अच्छे से पीछे से जाके वार करते हैं. सामने तो कुछ नहीं कहते, सामने गले लगाते हैं, आपको किस करते हैं और पीछे से जाके आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं. तो आपको पता नहीं कहाँ से कब किसके ज़रिए पड़ेगी, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑल द टाइम. तो आई थिंक वही सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. अश्विनी जी, एक आपके राइट में मैं ही, सिनेमा घरों में एक साथ में फिल्म आने वाली है स्ट्रीट डांसर एंड आपकी पंगा, तो पंगा होने वाला है. सो आप बताइए आप लोग इस पंगे के लिए कितना रेडी हैं? श्रद्धा मेरी, मतलब शी इज़ रियली क्लोज टू मी, शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ डॉटर. अब भी नितेश की फिल्म में उसने काम किया, शी इज़ अ फ्रेंड. वरुण इज़ अ रियली डियर फ्रेंड. आई थिंक इस ज़माने में वी कांट कम्पीट विथ ईच अदर, वी ऑल आर को एग्जिस्टिंग और हम सबको सबकी फिल्मों के लिए वी जस्ट हैव टू प्रे एंड मेक श्योर दैट आर इंडस्ट्री फंक्शन. सो ऑल फिल्म्स हैव टू डू वेल, नहीं तो बॉक्स ऑफिस नहीं चलेगी तो प्रोड्यूसर्स कहाँ से आएंगे हमारे लिए. सो एवरी फिल्म हैज़ टू डू वेल एंड जितने थिएटर्स हैं हमारे, अगर कोई और ज़्यादा थिएटर्स बन जाए हमारे देश में तो बहुत अच्छा होगा चाइना की तरह विजय, ताकि हर फिल्म एक नई सिंगल रिलीज़ मिले. अब वो ज़माना गया, अब सिंगल रिलीज़ का कोई मौका नहीं है, पर जब दो फिल्में साथ में आती है तो वी शुड जस्ट एनकरेज एंड रिजॉइस ईच अदर्स फिल्म्स. अश्विनी, हाय, आपका टेक दोनों. आई थिंक आई एम ऑनेस्टली आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट देर आर बोथ नॉट ऑफ द सेम नेचर. कई बार जो दो फिल्में होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं, चाहे उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, कहानी अलग हो लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस अलग नहीं होती. लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है. स्ट्रीट डांसर की टारगेट ऑडियंस अलग है और हमारी अलग है, सो विच इज़ काइंड ऑफ अ रिलीफ. आई वुड लव टू हैव अ सोलो रिलीज टू बी ऑनेस्ट, मगर लाइक अश्विनी जी सेड, दिस इज़ नाउ अ फार फेच्ड ड्रीम. Ashwini, hi, this is Tuya, right? This is Mayur here from Beyond Bollywood. Yeah, hi. Congratulations on the wonderful trailer and I think special congratulations to little Adi here. My question to you is, you spoke at the beginning that this is a film that resonates with you. So I wonder, with regards to the character of Mr. Jesse Gill, is there a bit of Mr. Nitesh Tiwari in him as well? No. Why would that? It's a very personal question, but unfortunately, no. I think he's a very quiet person, all of you know him. He's pretty quiet and reserved, and there are no surprises in our lives. But in terms of support, in terms of my face is glowing right now. So, in terms of support, in terms of the silent push which we always need, he is not here today. The reason he's not here today is because he said that, you know, the moment I come and sit there in the audience, the camera will shift towards that. Is because this is the kind of society we live in. So you please enjoy that whole thing, and I'm not going to be there. I'll meet you in the night. And it's important that we as journalists and we as media people really push more and more women and your family, your wives, your daughters, and also people like us, is because I'm because of y'all. And if I'm always termed as some so-and-so's wife who made a film, I made the best film last year, 2 years back, and I was still called as Nitesh Tiwari's wife. If you guys change that,
everything else will change. So it comes from you all, and then I do not have to keep saying, you know what, I am an individual, can my name just be the way I am? So yes, it's all about you, and if you give all of y'all together, from the time you just don't become someone's daughter, someone's wife, Mrs. Q, I think things will change, you know. I'll just give you a simple example. Day before yesterday, we had to go and change our electricity bill. Name on our electricity bill. So Nitesh had gone, he had taken my sign and everything. And she said, oh, madam ne change nahi kiya surname. So he said, nahi kiya. So, you know, these are the things which sometimes troubles me, but it's fine. Everyone else, we all are, I'm sure there are a lot of women mothers out here and they all feel the same. So तो ये थी बॉलीवुड की कुछ मसालेदार गॉसिप, और ऐसे ही गॉसिप से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके बॉलीवुड की तमाम खबरों से अपडेट।